हेलो गाइस, गोपाल दिस साइड। आज मैं आया हूँ रावेत लोकेशन में आप सभी के लिए लेकर एक्सक्लूसिव 3 BHK स्काई विला में, जिसमें आपको ओनली वन 3 BHK स्काई विला में देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड हाईवे फेसिंग ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड एक्सक्लूसिव अभी जो लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको ओनली वन हाईवे फेसिंग ये फ्लैट्स मिलने वाले हैं। अगर कारपेट साइजेस की बात करें तो 11-12, जिसकी प्राइसिंग 1.15 CR से स्टार्टेड है। एंड सबसे बड़ा जो कारपेट साइज है 12-02, जिसकी प्राइसिंग 1.30 CR से स्टार्टिंग है। तो टोटल प्रोजेक्ट आपको 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल में मिल जाता है, जिसमें आपको 2 हाई राइजिंग 30 स्टोरी टावर्स मिलने वाले। सारे के सारे जो फ्लैट्स हैं आपको सिटी व्यू या फिर हाईवे व्यू मिलने वाले। तो आपको हाईवे व्यू अगर जो फ्लैट्स है तो उसमें आपको अनइंटरप्टेड व्यू रहने वाले लाइफ टाइम के लिए। चलिए हम सैम्पल फ्लैट का टूर करने वाले, आ जाइए दोस्तों। गाइस, 1202 3 BHK सैम्पल फ्लैट आज हम टूर करने वाले। तो आप इंटरेस्ट पे देख सकते हैं, 8 फीट के हाइट वाला आपको डोर मिलता है एंड उसी के साथ एल कंपनी का डिजिटल लॉक आपको मिलता है। आ जाइए अंदर की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7x4 की आपको इंटरेस्ट लॉबी मिलती है कुछ इस तरह से। आप अंदर की तरफ आ जाइए एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रॉपरली शू रैक के लिए स्पेस अलग से मिल जाता है इस साइड में। आपको अगर देखे तो मेरे लेफ्ट में आपको लिविंग एरिया एंड मेरे राइट में आपको गेस्ट बेडरूम मिलने वाला है। आ जाइए गेस्ट बेडरूम को हम चेक करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पे मिलती है। उसी के साथ अपन गेस्ट बेडरूम को देखें तो 11x13 की साइज वाला आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। प्रॉपरली आप यहाँ पे प्रॉपरली अपना बेड सेंक्शन आ जाएगा। उसी की तरफ आप अपना टेलीविजन लगा सकते हैं एंड इस तरफ आप अपना प्रॉपरली वार्डरोब का स्पेस लगा सकते हैं। तो आप चलते हैं गेस्ट वॉशरूम की तरफ, आ जाइए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम टोटो की फिटिंग यूज़ की गई है एंड ग्रोहे की फिटिंग भी आपको इसमें यूज़ करी गई मिलती है। आप प्रॉपरली टाइल्स कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, काफ़ी रिच टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्रॉपरली आप यहाँ पे सिंक एंड टोटो एंड जेगवर की फिटिंग के साथ में आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाता है। एंड गेस्ट बेडरूम को कनेक्टेड आपको बालकनी मिल जाती है, जो कि हम लिविंग सेक्शन की चेक करने वाले हैं। आ जाइए लिविंग सेक्शन की तरफ। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसिव 22x14 का आपको यहाँ पे लिविंग सेक्शन मिल जाता है। प्रॉपरली काफ़ी बड़ा लिविंग सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलता। इवन अगर आप बानेर बालेवाड़ी में चेक करेंगे तो आप ऐसे फ्लैट्स नहीं मिलेंगे, जो कि रावेत में ओनली वन इसी प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे अपना एल शेप का सोफा सेट लगा सकते हैं सेंट्रल टेबल के साथ। इसके जस्ट ऑपोजिट में आप अपना प्रॉपरली टेलीविजन सेट लगा सकते हैं, आपको काफ़ी स्पेस इसमें मिल जाता है। एंड उसी के साथ लिविंग एरिया को कनेक्टेड जैसे हमने गेस्ट बेडरूम से चेक किया था, तो आपको यहाँ पे एक बालकनी मिलने वाली है। आ जाइए बालकनी को हम देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18x6 साइज की आपको प्रॉपरली कवर्ड बालकनी मिल जाती है ऊपर से। काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर स्काई विलामेंट्स की अगर हम बात करें तो विलामेंट्स का मतलब ये होता है आपको बिग बालकनी एंड बिग लिविंग एरिया आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है, जिसका आपको एयर वेंटिलेशन सनलाइट काफ़ी अच्छी तरह से बना रहता है। तो लिविंग एरिया के एक सेक्शन में हम चलते डाइनिंग स्पेस चेक करते हैं। तो आप प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हैं 8-6 सीटर का प्रॉपरली डाइनिंग स्पेस लगा सकते हैं। इस साइड में आप प्रॉपरली अपना एक पूजा स्पेस भी बना सकते हैं या फिर स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये लिविंग सेक्शन है। इसकी साइज अगर हम बात करें तो 22x14 की रहने वाली, काफ़ी मैसिव साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड डाइनिंग एरिया के जस्ट पास में ही आपको किचन एरिया मिल जाता है। आज किचन एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल शेप में आपको किचन एरिया मिल जाता है विथ इंजीनियरिंग स्टोन आपको यहाँ पे यूज़ किया गया मिलता है। तो काफ़ी अच्छा ये किचन रहने वाला है। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे ग्रोहे की सिंक मिल जाती है। उसी के साथ अगर देखें तो आपको ब्लैक स्टोन का आपको यहाँ पे सिंक प्रॉपरली यूज़ किया गया है एंड पैरेलल शेप की वजह से आपको अच्छा खासा स्पेस इसमें मिल जाता है। आराम से 2 से 3 आप प्रॉपरली अपने होम के जो पर्सन से आप यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको एक सर्विस प्लेटफॉर्म मिल जाता है कुछ इस तरह से। एंड आपको इनफ्लो ड्राई बालकनी मिल जाती है विथ एक सिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे आप प्रॉपरली अपना एक वॉशिंग मशीन सेट लगा सकते हैं। इसकी अगर साइजिंग की बात करें तो 9x13 की साइज आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाती है। एंड प्रॉपरली आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी फ्रिज रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे प्रॉपरली स्पेस लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज आप कर सकते हैं। आ जाइए हम चलते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम की तरफ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस चिल्ड्रंस बेडरूम आपको मिल जाता है 10x11 की साइज में। आप प्रॉपरली अपना एक बेड यहाँ पे लगा सकते हैं, अपना एक प्रॉपरली टेलीविजन के लिए सेक्शन मिल जाता है, वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाता है। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे फुल साइज की विंडो मिल जाती है एयर एंड वेंटिलेशन के लिए। आप देख सकते हैं
नीचे की आपको फिक्स मिलेगी, ऊपर की आपको मूवेबल मिलेगी, जिसको हम टेक्सचर विंडो कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है। हम चलते कॉमन वॉशरूम की तरफ, आ जाइए दोस्तों। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस 6x4 का आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, काफ़ी अच्छे तरह से जेगुआर एंड ग्रोहे की प्रीमियम फिटिंग के साथ में, एंड ऊपर से आपको फॉल सीलिंग एज इट इज मिलने वाली है। अगर हम तीनों वॉशरूम को देखें तो इसमें अलग अलग तरह से आपको सीपी एंड सेंट्रेट फिटिंग अलग अलग यूज़ करी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली अपना एक बेथिंग स्पेस, कमोड स्पेस एंड आपको यहाँ पे बेसिन मिल जाता है कुछ इस तरह से, काफ़ी एक्सक्लूसिव एंड काफ़ी प्रीमियम फिटिंग आपको इसमें मिल जाती है। हम मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए दोस्तों। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 11x13 का बिगेस्ट साइज का मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है वुडन फ्लोरिंग के साथ में। तो काफ़ी अच्छा ये आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है, प्रॉपरली किंग साइज का बेड लगा सकते हैं इस साइज में, एंड उसके फ्रंट में भी आप टेलीविजन सेक्शन बना सकते हैं। आप सोच रहे हो तो वार्डरोब के लिए कहाँ पे स्पेस मिलेगा, तो यहाँ पे आपको वॉकिंग वार्डरोब मिल जाता है जिसकी साइज 6x8 की रहने वाली। प्रॉपरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप यहाँ तक वॉकिंग वार्डरोब लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है आपके लिए। मास्टर बेडरूम भी काफ़ी प्रीमियम है एंड मास्टर वॉशरूम की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8x4 का आपको मास्टर वॉशरूम मिल जाता है, फिटिंग आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेगी। ग्रोहे की गोल्डन फिटिंग आपको इसमें मिलने वाली, गोल्डन रोज फिटिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली विद फॉल सीलिंग के साथ में। आपका बेथिंग स्पेस, कमोड स्पेस एंड उसी के साथ आपको वॉश बेसिन एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी अगर गेस्ट अपने मास्टर वॉशरूम वार्डरोब एंड प्रॉपर मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो 13x20 साइज का प्रॉपरली बन जाता है। तो काफ़ी अच्छा ओनली ओन मास्टर बेडरूम बन जाता है 13x20 का, तो काफ़ी स्पेसियस आपको ये मिल जाता है। उसी के साथ आपको एक बालकनी इस तरफ मिल जाती है, आ जाइए बालकनी को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको बालकनी मिल जाती है, ऊपर से कवर्ड बालकनी रहने वाली है एंड आपको यहाँ पे आपको टफन ग्लास की रेलिंग मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम एंड रिचनेस फिटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए लिंक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप DM भी हमें कर सकते हैं, तो आपको मैं सारी जानकारी दे दूंगा इस नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।